नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज की एक और खास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री के साथ ही नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने देश और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए और साथ ही उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे हुए लोगों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी मशीनरी पूरी तरह से रेस्क्यू कार्य में जुटी है। SDRF और NDRF के साथ ही स्थानीय प्रशासन भी रेस्क्यू कार्य में जुटा हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो सेना को भी लगाया जाएगा और अब तक किसी प्रकार की हताहत वाली खबरें सामने नहीं आई है। वहीं मुख्यमंत्री और सरकारी मशीनरी पूरी तरह से एक्टिव मोड पे है। फिलहाल सभी को सकुशल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मैं जो मजदूर अभी हैं नीचे फंसे हुए हैं तो वो सुरक्षित हैं, अभी तक कोई ऐसी बात नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है और सारी मशीनें जितनी भी हैं लेटेस्ट वो भी दूर दूर से मंगाई जा रही हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा है, मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और लगातार केंद्र से PMO स्वयं देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, तो उसमें हर प्रकार की जो संभावनाएं हैं कि जल्दी से जल्दी हमको रिलीफ मिले उसके लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा है। NDRF लगी है, SDRF लगी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगा है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगी है। जो मशीनों की कमी है वो मशीनें भी बाहर से हम तुरंत अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट मशीनें हो सकता है कि यहाँ पर कम हो तो दूसरी भी हम उनको ला रहे हैं और लगातार हमारे हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर सर्विस दे रहे हैं। इसलिए ईश्वर की कृपा से सही रिपोर्ट ही आनी चाहिए। फिलहाल की इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जे न्यूज़। धन्यवाद।